ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ मामलार प्रथम पर्यायर हिंदू पक्षर एक विजय होई मामला जे कोर्टे ग्रहण नुहे महजूद कमिटर एक याचिका को आज वाराणसी जिला जज कोर्ट खारज कर फलर ज्ञानव्यापी महजूद परिसर मध्य माँ सिंघार गौरी नियमित पूजापी कोर्टे जो आवेदन होता तार शुणा जारी रही है। यह मामलार शुणा कर वाराणसी जिला कोर्ट जज अजय कृष्ण विश्वास आज अंजुम महजिद कमिटर दरखास्त उपर कहते मामला कोर्टे विचारपी रखापर प्रकाश था कि ज्ञान भाव मस्जिद परिसर भितर माँ सिंगार गौरी नियमित पूजा करार अधिकार दाबी कर स्थानीय पांचज महिला कोर्टर द्वारस्थ होते कि मस्जिद पक्ष जुक्ति कर जेहेतु ज्ञान भाव मस्जिद वाकफ बोर्ड संपत्ति तेणु कोर्ट यार शुणा करें 1991 पूजास्थल कानून अनुसार यार धार्मिक चरित्र परिवर्तन करते मस्जिद भितर पूजापी दाबी कर कोर्टर कौन से दरखास्त आग्रहण नुहे तेबे एही जुक्ति ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ मामलें कोर्ट को संतुष्ट करानी फल हिंदू पक्ष याचिका उपर विचार प्रक्रिया चलो यार परवर्त शुणा 22 तारीख पर धार्य कर मे मस 12 तारीख में वाराणसी सिविल कोर्ट पांचज महिला प्रार्थना को ग्रहण कर ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर भिडियोग्राफी सर्वे निर्देश देते मुस्लिम पक्ष विरोध सत्व सर्वे होता और मे 16 तारीख दिन शेष होता 19 तारीख में सर्वे रिपोर्ट कोर्टे दाखल होता इतिमध्ये मुस्लिम पक्ष मामलार शुणा योग्यता उपर प्रश्न उठे सुप्रीमकोर्टर द्वारस्थ होते मामला जे जटिल और संवेदनशील या हृदयंगम कर सुप्रीमकोर्ट केस को जिला जज कोर्ट को ट्रांसफर कर देते जज अजय कृष्ण विश्वास अगस्ट 24 तारीख में उभय पक्ष दलिल शुणी सारी निजर निष्पत्ति स्थगित रखते जहाँ आज से शुणाई प्रकाश था कि सर्वे चलता समय मस्जिद परिसर भितर पथर एक स्तंभ आविष्कार होता जहाँ को हिंदू पक्ष शिवलिंग दावी करते कथित ही शिवलिंग एक पाणिकुंड भितर देखा मिलेगा मुस्लिम पक्ष यहाँ फाउंटेन कौन दावी कर शिवलिंग आविष्कार पर हिंदू पक्ष कोर्ट को जाए मस्जिद को सुरक्षित अंचल घोषणा करने को अनुरोध करते कोर्ट एमती एक निर्देश आशा करते जहाँफल कि मुसलमान से नमाज पढ़वेनि तेज कोर्ट केवल कथित से कुंड को सिल करने को निर्देश देते मुस्लिम पक्ष ये कोर्ट को सिलमुक्त करने को सुप्रीमकोर्टे अनुरोध करते जहाँ ग्रहण हो नाला तेज नमाज पढ़ापे अनुमति दी जाता है।